विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उसके बाद भी डीडीएमए द्वारा यहां पर पुनर्निर्माण और आपदा से क्षतिग्रस्त पैदल मार्ग को ठीक करने का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि केदारनाथ धाम में 9 दिसंबर को हुई बर्फबारी के कारण काम रोकना पड़ गया था, तो वहीं 31 जुलाई को हुई भारी बारिश के चलते केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग जगह जगह पर क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा तेजी से मार्ग को ठीक कराया जा रहा है। बता दें, यहाँ पर अधिशासी अभियंता डीडीएमए विनय छिंकवाड़ ने ये बताया कि इस समय लगभग 300 श्रमिक मार्ग ठीक कर रहे हैं। फिलहाल मौसम साफ होने पर कार्य तेजी से किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की खास रिपोर्ट। वर्तमान में श्री केदारनाथ धाम के अंतर्गत लगभग 350 श्रमिकों द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, साथ ही लगभग 300 श्रमिकों द्वारा पैदल मार्ग पर भी पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है। अभी मौसम के अनुकूल होने के कारण, धूप अच्छी होने के कारण निर्माण कार्य को तेजी से किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।